दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे उत्तराखंड के कांग्रेस नेता भी। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगी। तो उत्तराखंड से 79 कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी भी यहाँ पर सौंपी गई है। तो एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी जहाँ तमाम चेहरों को उतार रही है और कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सियासत पर आखिरकार कैसे कब्जा किया जाए, तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही रणनीति कांग्रेस की बनती हुई भी दिखाई दे रही है, जहां पर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे उत्तराखंड के उनको आज चुनावी मैदान में लाया जा रहा है। और इसके साथ ही जानकारी ये भी कि 79 पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाए गए हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के 79 कांग्रेस नेता जिनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब उत्तराखंड के न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि कांग्रेस के नेता भी नजर आने वाले हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम भी यहां पर नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और इसी के मद्देनजर एकाएक करके कई चेहरे दिल्ली के इस रण में नजर आने वाले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी, माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की जाएगी। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को दिल्ली में खो चुकी कांग्रेस एक बार फिर से जुटी है, और ऐसे में इस बार कोई कोर कसर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है, जिसके चलते तमाम राज्यों की अगर देखा जाए, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ के बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस के वो भी वहाँ पर दिख रहे हैं, दिल्ली के चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। और अब उत्तराखंड क्या देखा जाए तो उत्तराखंड के भी कई ऐसे दिग्गज चेहरे जो आज नजर आएंगे दिल्ली के रण में। तो उत्तराखंड से 79 कांग्रेस के नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी भी यहां पर सौंपी गई है। तो एक तरफ उत्तराखंड में देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं में आपसी मनमुटाव है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और ऐसे में अब उससे इतर जिम्मेदारी फिलहाल कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली की मिली है, दिल्ली में चुनावों को जिताने की लगी है। क्योंकि पिछले बार के अगर नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी, और ऐसे में अब जोड़ तोड़ की कोशिश यहां पर की जा रही है।